नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी साला और मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आज मैं आपसे रॉबर्ट मौरा की बुक वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ द काइजन वे से कुछ टिप्स शेयर करूंगा, जिससे आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज और नए आदत को डेवलप कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। दोस्तों, अगर आप मोटापे से परेशान हो और आप चाहते हैं कि आने वाले नए साल में आपका मोटापा कम हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं, ज़्यादा स्वस्थ खाना खाएं। मोटा करने वाले किसी ब्रेकफास्ट का पहला कौर काट कर अलग रख दें। इसे एक महीने तक करते रहें। इस प्रक्रिया से आपको किसी बड़े आहार का कम हिस्सा खाना सीखने में मदद मिलेगी। अगले महीने तक पहला और दूसरा कौर बाहर अलग रख दें। इसके बाद एक महीने तक ब्रेकफास्ट के तीन कौर बाहर अलग रख दें और ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप यह तय न कर लें कि अब आप उस ब्रेकफास्ट को चाहते ही नहीं हैं। एक बार जब आप हानिकारक ब्रेकफास्ट त्याग दें तो दूसरे ब्रेकफास्ट या लंच के दौरान खाने की प्रक्रिया को थोड़ी धीमी करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप खाना खाते हैं तो कौरों के बीच भोजन को नीचे रखें और अच्छी तरह चबाएं। पिछले कौर को निगलने के बाद ही दूसरा कौर उठाएं। ऐसा करने से आपको हेल्थी खाना खाने की आदत हो जाएगी और आप धीरे धीरे अपने मोटापे की समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। आप खुद को फिट रखना चाहते हैं पर आपके साथ समस्या ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, तो ये टेक्निक्स आपके लिए है। अगर आप खुद को बिस्तर से उठा नहीं सकते हैं तो हाथ से दबाने वाली हैंड ग्रिप खरीद लें, जिसे टेलीविजन देखते समय दबाते रहें। इससे आपकी कुछ कैलोरी बर्न होगी और आपको अपने शरीर को हिलाने के विचार की आदत पड़ जाएगी। जब आप अपने आप को हिलाने के लिए तैयार हो जाएं, तो दिन में एक बार अपने ब्लॉक मोहल्ले के चारों ओर चलें या लिफ्ट के बजाय एक मंजिल सीढ़ी से चढ़ें। हर रोज एक अतिरिक्त बिल्डिंग तक पैदल चलें या सीढ़ी पर एक अतिरिक्त मंजिल चढ़ें, जब तक कि आपकी ये आदत ठोस ना बन जाए। एक्सरसाइज की अपनी भूख को और बढ़ाने के लिए उस गतिविधि के बारे में सोचें जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, जैसे तैराकी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल। उस गतिविधि का एक आकर्षक चित्र खोजें और उसे फ्रिज पर लगा दें, टेलीविजन के ऊपर रख दें या आईने के कोने पर लगा दें। ऐसा करने से आपको एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन मिलेगा और एक दिन ये आपकी आदतों में शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट, पैसा कैसे बचाएं। दोस्तों, अगर आप पैसा नहीं बचा पाते या सेविंग करने की आपकी आदत नहीं है, तो इस तकनीक की मदद से आप धीरे धीरे पैसा बचाने लगेंगे। आपको बस 50 रुपये प्रतिदिन बचत करने का लक्ष्य बनाना है। इसे करने का एक आसान तरीका ये है कि जब आप शॉपिंग करने जाएं तो थोड़ा सा हेर फेर कर लें और इस बचे हुए पैसे को अलग रखें। न्यूज़पेपर खरीदने के बजाय ऑनलाइन पढ़ें। हो सके तो थोड़ा पैदल चलकर आप मेट्रो तक जाएं, जिससे आपका ऑटो में आने जाने का पैसा बच जाए। अगर आप हर दिन 50 रुपये बचाते हैं तो साल के अंत में आपके पास 18,000 जमा हो जाएंगे। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप उस अतिरिक्त पैसे से करना चाहेंगे और हर दिन उसमें एक विचार जोड़ें। इससे आप क्षणिक खुशियों के बजाय दूरगामी ज़्यादा बड़े वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सोचना सीखेंगे। नेक्स्ट, ज़्यादा लोगों से मिलना। दोस्तों, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप दोस्तों के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाते हैं या खुलकर बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो ये टेक्निक्स आपके लिए है। किसी ऐसे जगह के बारे में सोचें जहां आप अपने से मिलती जुलती रुचि वाले लोगों से मिल सकते हैं। शायद कोई मंदिर, चर्च या जिम, इसे लिख लें। हर दिन एक अतिरिक्त स्थान या ग्रुप के बारे में सोचें और इसे अपनी सूची में जोड़ लें। याद रखें कि ये कोई कार्य सूची नहीं है, आप तो बस विचार उत्पन्न कर रहे हैं। किसी ऐसे परिचित व्यक्ति के बारे में सोचें जिसका सामाजिक जीवन भरा पूरा और सुखद हो। इस व्यक्ति से पूछें कि वह मित्रों से कहां मिला। अगर आप किसी निश्चित क्लब में शामिल होने का विचार को पसंद करते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अपने समर्पण के शुरुआती स्तर को बहुत कम रखें। आप बस एक मीटिंग में जाने की योजना बना सकते हैं और केवल 15-20 मिनट बाद आप वहां से लौट आने का वादा कर सकते हैं। इससे आपकी अपनी दिनचर्या गड़बड़ाए बिना सामाजिक गतिविधि की भूख बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, सैलरी बढ़ाने की मांग करें। कारणों की एक लिस्ट बनाएं कि आप अपने काम के लिए ज्यादा पैसे के हकदार क्यों हैं। हर दिन लिस्ट में एक कारण जोड़ते रहें। एक दिन में एक मिनट लगाएं और जोर से अपने बॉस के सामने अपने रिक्वेस्ट का प्रैक्टिस करें। इस समय को तब तक बढ़ाएं जब तक कि आप आमने सामने रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार महसूस ना करें। आप वेतन वृद्धि की सचमुच मांग करें। इससे पहले कल्पना करें कि बॉस कमजोर तरीके से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन आप फिर भी अपने प्रयास के बारे में सफलतापूर्वक महसूस करते हुए दरवाजे से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, अपने समय का सही उपयोग करें।
उन गतिविधियों की लिस्ट बनाएं जो आपका समय लेती है लेकिन आपके लिए उपयोगी नहीं है। टेलीविजन देखना, ऐसी चीजें पढ़ना जिन्हें आप सुखद या उपयोगी नहीं पाते हैं, वो समय के दुरुपयोग के सतत स्रोत हैं। उन गतिविधियों की सूची बनाएं जिसके बारे में आप महसूस करते हैं कि वे आपकी वर्तमान गतिविधियों से ज्यादा उत्पादक होगी। हर दिन सूची में एक गतिविधि जोड़ते जाएं। एक बार जब आप ज्यादा उत्पादक गतिविधियों को पहचान लें जिन्हें आप आजमाना चाहेंगे तो आगे बढ़ें और उन्हें तेजी से घुमा दें, लेकिन एक बहुत सीमित और जोखिम रहित अंदाज में। यदि आप एक जर्नल रखना चाहते हैं तो ऐसा कर लें, लेकिन खुद से वादा करें कि आप हर दिन सिर्फ 3 वाक्य लिखेंगे। यदि आप योगा क्लास जाना चाहते हैं तो आप बस स्टूडियो की लॉबी में खड़े होकर शुरू कर सकते हैं और विद्यार्थियों को अंदर जाते तथा बाहर निकलते देख सकते हैं। जल्दी आप खुद को उस गतिविधि में ज्यादा सहभागिता करते पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप टेलीविजन के सामने कम समय बिता रहे हैं। हर दिन उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके बारे में आपको महसूस होता है कि वह एक सफल जीवन जी रहा है। फिर वह एक चीज लिखें जो वह व्यक्ति आपसे भिन्न तरीके से कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली मुलाकात में इस बुक की समरी लेकर आऊंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।